हाय फ्रेंड, आप सबका फूड टेक चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरन पोड़ी। पूरन पोड़ी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले जो चाहिए वो है चना दाल। चना दाल यहाँ पर मेरे पास एक बाउल है जिसे मैंने भिगोकर अच्छे से धोकर ले लिया है। इसे मैंने आधे से एक घंटा भिगोकर रख लिया था और अब मैं इसे कुकर में सीटी करूंगी। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, मैंने अपनी चना दाल कुकर में ले ली है। जैसे कि मेरे एक बाउल चना दाल है तो मैं एक बाउल पानी ऐड कर रही हूँ उसमें। इसी तरीके से आपको पानी पानी का जो मेजरमेंट है वो याद रखना है इसे सीटी करते वक्त। अब मैं इसमें हल्का से नाम के लिए नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि स्वीट डिश में जो नमक पड़ता है तो अच्छा टेस्ट होता है उसका, बोलते हैं कि टेस्ट निखर के आता है। और जिसमें हल्दी जाएगी वो भी सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि मुझे मेरे पूरन पोड़ी के लिए जो कलर चाहिए ना वो सिर्फ कलर हल्दी से जो आता है उसका येलोइश कलर, उतना ही मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। बस इन सबको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। मैं अपना फ्लेम अब ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कुकर की सीटी लगा ली है। यहाँ पे मैं 3 से 4 सीटी इसकी करके लूंगी हाई फ्लेम पे और आगे देखते हैं इसका डो कैसे बनेगा। तो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ पूरन पोड़ी का जो डो है वो कैसे बनता है। यहाँ पे मेरे पास एक साइड पे नॉर्मल गेहूं का रेगुलर आटा है और यहाँ पे मेरे पास है मैदा। जितनी क्वांटिटी मेरे नॉर्मल गेहूं की रहेगी उतनी क्वांटिटी मेरे मैदे की रहेगी। दोनों को मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर मेरे पास है मेरे पास जो फटा हुआ दूध होता है ना नॉर्मल, उसका मैंने पानी छानकर अलग कर लिया था, तो वो पानी है मेरे पास। मैं इसी पानी के हेल्प से अपना पूरन पोड़ी का डो बनाकर लूंगी। अब मैं इस डो में थोड़ा सा कलर के लिए एक अच्छा सा येलोविश जो कलर होता है उसके लिए मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। डो के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैं उसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं बता दे रही हूँ कि मैं सिर्फ डो के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है? वो ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है तो कीजिए। और यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर वाला ऑयल है, मीठा तेल है मेरे पास यहाँ पर, मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ। और अब इन सबको अच्छे से मैंने पूरा आधा कटोरी इसमें ऑयल डाल दिया है। मेरे पास ये माप के लिए था, मैं आपको बता दे रही हूँ इसका माप। अब इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देख लीजिए मैंने ऑयल और जो कुछ भी था मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको हाथ से बांध के दिखा रही हूँ, मतलब इस तरीके से जब आपका डो बाइंड करेगा तो समझ जाइए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है डो में। जब मिक्स हो जाएगा ना तो इसमें पानी ऐड करके सॉफ्ट डो सान कर ले लेंगे हम, अच्छे से गूंथ लेंगे। सॉफ्ट डो चाहिए हमें, एकदम सॉफ्ट। तो आप देख सकते हैं मेरा डो किस तरह से रेडी है। मैं आपको इसमें उंगली डाल के दिखा रही है, देखिए इस तरीके से मैंने पूरा डो अपना अच्छे से बना कर ले लिया है, एकदम रेडी है। और मैं इसमें अभी थोड़ा सा ऑयल डालकर इसका जो है अच्छे से मिक्स कर लूंगी पूरे डो को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और थोड़ा सा मतलब स्टिकी डो है, तो इसे ऑयल की अच्छी सी कोटिंग कर देंगे ताकि जब हमें इसका यूज करना हो तो वो ऑयल एब्जॉर्ब कर ले और हमारे हाथ में स्टिक ना हो। हम लोग ऑयल इसलिए डालते हैं, और मैंने आपको खोए का पानी यूज करने बोला था, क्यों? ताकि जो हमारा डो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट और एकदम अच्छा सा हमारा पूरन पोड़ी बन सके, इसके लिए हम उसमें इस तरह का पानी यूज करते हैं और इतने क्वांटिटी का ऑयल, ताकि वो एकदम सॉफ्ट और एक अच्छा सा स्मूथी पूरन पोड़ी बन सके। इसलिए हम इस डो को तब तक रेस्ट पर रखेंगे जब तक हमारा जो पूरन का फिलिंग है वो रेडी नहीं हो जाता है। बस उससे ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे, तुरंत इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम अपने डो को साइड में रेस्ट पे रखते हैं और चलते हैं पूरन की फिलिंग की ओर। तो चेक कर लेते हैं हमारे जो पूरन के यहाँ पे दाल हमने रखा था उसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। एकदम प्रॉपर येलो कलर आया है दाल का, और मुझे दाल यहीं से दिख रही है कि दाल अच्छे से कुक हो चुकी है। देख लीजिए मेरी दाल प्रॉपर कुक हो गई है, ये देखिए बहुत हद तक कुक हो गई है, मतलब इसका इजीली हम लोग फिलिंग बना सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसका करना है। मेरी चना दाल है जिसका मैंने पानी अलग कर लिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं मैंने उसका सारा का सारा जितना पानी अलग कर सकती थी मैंने सब अलग कर दिया उसका पानी, और मैं आपको चला के दिखा दे रही हूँ।
यहाँ पे मैंने साइड में पैन गरम करने रखा हुआ था, अब मैं उसमें मेरी चना दाल ऐड कर रही हूँ। मैंने उसमें कोई ग्रीसिंग वगैरह नहीं किया, डायरेक्ट कर रही बिकॉज ये नॉन स्टिक है, जरूरत पड़ी तो मैं बाद में देखूंगी। ऐसे फिलहाल फिलहाल के लिए मैं फ्लेम स्लो रखकर इसे गैस पे रख रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको यहाँ स्वीट का एक बता रही हूँ कि इसमें जो मिठास है कैसे आपको यूज करना है। मेरे पास, अगर आपके पास आधा किलो चना दाल है तो 400 ग्राम आप गुड़ ऐड कीजिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मेजरमेंट बता रही हूँ कि हम लोग मोस्टली जेन्युइनली ऐसे ही यूज करते हैं इसे। तो ये मेजरमेंट ध्यान में रखिए, अगर आपका आधा किलो चना दाल है तो 400 ग्राम आप इसमें जैगरी गुड़ ये ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इसको इसी तरीके से इसमें रख देंगे। मैंने गुड़ को कट करके ले लिया था क्योंकि काफी हार्ड होता है, तो थोड़ा स्मॉल पीसेस में कट कर लिए थे ताकि इजीली मेल्ट हो जाए। अब मैंने गुड़ ऐड करते ही अपना जो फ्लेम है उसे फास्ट कर लिया, हाई फ्लेम पे ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक सोट है और इलायची है मेरे पास दो, इन सबको मैं ग्राइंडर में, ग्राइंडर की हेल्प से पाउडर बना के ले लूंगी। शुगर डालूंगी थोड़ा सा ताकि इसे ग्राइंडर में ग्राइंड होने में हेल्प हो। तो मैं चना दाल और जो गुड़ है उन दोनों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी हल्के हाथ से। यहाँ पे मैंने कोई बटर कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, ना ऑयल ना बटर, डायरेक्ट मैंने इसे पैन में ऐड किया। सबको हल्के हाथों से मिक्स करके लेना है। यहाँ पे मेरा गुड़ देखिए मेल्ट हो चुका है, अच्छे से उसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। एकदम हल्का सा जो भी थोड़े बहुत पीसेस थोड़े से ही बचे हुए हैं, आप देख सकते अपने आप से उसने जैसे जैसे उसको फ्लेम लगती गई उस हिसाब से उसने अपना बॉडी का जो पानी है वो साइज है वो रिलीज कर दिया है। जब तक इसमें का सारा पानी सूख नहीं जाता तब तक हम इसे सिल्वर गैस पे पकाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखेगा। मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो मेरा मिक्सर है, फिलिंग है, ये इसमें का जो पानी है वो सूखना स्टार्ट हो गया, बहुत हद तक सूख चुका है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है बिकॉज मैं आपको एक ये देखिए स्पून है ना, इसमें स्टैंड नहीं कर रहा है। हम जब ये देखिए गिर जा रहा है, तो जब ये रेडी होता है ना तो ये स्पून इसमें स्टैंड कर जाता है, खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। तो ये एक इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये हुआ है कि नहीं। तो अभी ये होना बाकी है, पर हाँ इसका पानी जो है वो काफी हद तक सूख चुका है। तो ये जब पूरा रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होगा। मैं यहाँ पे मैशर की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर ले रही हूँ क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे पीसेंगे तो इसे इजीली हम उसे पीस सकते हैं। तो आप हल्के हल्के हाथों से जितना आप मैशर से स्मैश कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी हमें तो इसे पीसना ही है ग्राइंडर, मतलब इजीली वो हो जाएगा पीस जाएगा। इसको मैशर की हेल्प से स्मैश कर लीजिए ताकि जब आगे हमें इसे यूज करना होगा तो उसके लिए इजीली वो यूज हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी जब सारा का सारा पानी सूख जाएगा। आप देख लीजिए हमारा स्पून स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब यही है कि ये जो हमारा मिक्सचर का फिलिंग है वो रेडी हो चुका है, सारा का सारा पानी सूख चुका है। मैं आपको चलाकर दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए सारा पानी सूख चुका है बिल्कुल। इसी तरीके से आपको ये रेडी करके लेना है, आगे क्या करना मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसे पैन ठंडा कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ इसे पीसना कैसे। मेरा बैटर कुक होने के बाद ऐसा हो गया था जिसे मैंने ठंडा करने को ले लिया था, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी पीस कर ले ली है जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है। एकदम सॉफ्ट हो चुका है, एकदम से मतलब खोवा होता है ना बिल्कुल उसकी तरह ये अभी इस कंडीशन में आ गया है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से उसको पीसना है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे पीसना है। ये मेरे पास एक स्ट्रेनर है जिसकी हेल्प से मैं ये इसमें डाल के ले रही हूँ। हल्का गर्म है मेरा बैटर, एकदम से मैंने ठंडा कर नहीं लिया, मेरा बैटर हल्का गर्म है और ये इस तरीके से मैं इसमें इसे पीस कर ले रही हूँ। और ये बहुत अच्छे से होता है, इजी है। आप थोड़ा सा गर्म में पीसेंगे तो बेटर है क्योंकि वो आसानी से हो जाएगा। मेरा जो पूरन का फिलिंग है वो पूरा इसी तरीके से मैं ग्राइंड करके ले लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर मेरा जो पूरन का फिलिंग है वो एकदम अच्छे से सारा का सारा बनकर रेडी है। अब हम बनाएंगे अपना पूरन पोड़ी, तो मैं आपको बताती हूँ आगे इसे कैसे यूज करना है। मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि हमने सोट और छोटी इलायची ली थी जिसमें मैं चीनी ऐड करके पीसने वाली हूँ, तो ये वही है जिसे मैंने अच्छे से चाल कर ले लिया है क्योंकि सोट बारीक होकर इतना फिर भी रह ही जाता है उसमें,
तो ये हम इसे रखेंगे, हम इसे अपनी चाय में यूज करेंगे। इस तरीके से आप इसका जो है वो पाउडर अलग कर लिया हमने, और वो जो एक्स्ट्रा बचा था वो हम यूज कर लेंगे। अब ये इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मैंने अपने पूरन में चाल कर लिया हुआ है। ओके, मिक्स करके दिखाती हूँ कैसा दिखेगा। तो ये देखिए, मैंने अपने पूरन में सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया, और कितना अच्छा मस्टर्ड येलो कलर आया है, इसीलिए हमने हल्दी डाला था। और इसमें मैंने जो इलायची यूज किया, जो सोल्ट यूज किया ना, उसका बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है। इससे मेरी जो हल्दी खुशबू है ना, वो बहुत सी मतलब हटी गई है, नासी हो गई है। ओके, तो अब हम इसका बना लेते हैं अपना पूरन पोड़ी। यहाँ पे मैंने अपने जो पूरन की फिलिंग है उसका मैंने इस तरीके से 9 छोटे छोटे बॉल्स बनाकर ले लिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको अपना डो दिखाती हूँ। जो हमने वो खोया था, उसका जो पानी यूज किया था, उसकी वजह से मेरा डो फॉर्म हो गया। कितने अच्छे तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ तो फटाक से ऊपर आ जा रहा है। तो आप सोच लीजिए उसमें कितना अच्छा सा वैक्यूम रेडी हो गया, कितना अच्छा फॉर्म हो गया है वो। आप देख लीजिए कितना टाइम लगा, जब तक हमने प्रिपेयर किया हमारा फिलिंग तब तक हमने इसे रेस्ट पर रखा, बस उतनी देर में हमारा जो डो है वो अच्छे से फॉर्म हो गया। आप देख लीजिए जितना प्रेशर हल्के से भी लग रहा था वो फटाक से ऊपर आ रहा है। तो अब मैं आपको इसका पूरन पोड़ी बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, जिसकी हेल्प से मैं अपना पूरन पोड़ी रेडी करूंगी। बेलते वक्त मैं उसको डस्टिंग के तौर पे यूज करूंगी। ये जो मैंने अपना आटे का जो मैंने बॉल बनाया है, वो मेरे पूरन के यानी जो फिलिंग है उससे मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज लिया है। उससे उसका ही लगभग उतना ही साइज है, पर उससे थोड़ा बड़ा साइज है, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं लेना है आपको डो को। इस तरीके से आपको फिल कर लेना है, क्योंकि हमारा डो थोड़ा लचीला होगा, बिकॉज हमने उसमें ऐड किया हुआ है मैदा। मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट डो है। आप देख सकते हैं डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे आपको इसे चावल का आटा लेकर सॉफ्ट हाथ से कीजिए। ये देख लीजिए मैंने कितना पतला अपना जो पूरन पोड़ी है वो बेल कर ले लिया है। आपको बहुत पतला बेलना है, अच्छे से सॉफ्ट बनेगा, इसका चिंता मत कीजिए कि पतला है तो हार्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन गरम करने रख दिया था, जो कि अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें हल्का सा ग्रीसिंग कर रही हूँ ऑयल की, और अब मैं इसमें हमारा जो पूरन पोड़ी है वो डाल रही हूँ। मेरा जो फ्लेम है स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा स्लो रख रही हूँ, बिकॉज मेरा जो पैन है वो हाईली गर्म हो चुका है, इसीलिए हल्के से मैंने गैस को पास कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरा जो पूरन पोली है वो मैंने सिर्फ वन साइड से फ्लिप किया और ये स्टार्ट हो गया बेलून होना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने उसमें जो पानी यूज किया ना, उसकी वजह से हमारा डो है ना प्रॉपरली एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, बकायदा वो अच्छे से मतलब डो एकदम अच्छा फॉर्म हो गया है। बहुत अच्छा कलर दिख के आया है इसका। तो मैं इसको अच्छा सा बटर लगाकर बना रही हूँ, और इसकी खुशबू जो है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गली अच्छी आ रही है, क्योंकि सोट है, इलायची है, अब वो जो हमने जैगरी यूज किया था उसकी तो अलग ही खुशबू है। मतलब आज तो पूरन पोली इतना अच्छा बना। देख लीजिए आपको कैसे इसे बेल के लेना है। आप समझ जाइए डो कितना सॉफ्ट है, एकदम हल्के हाथ से यहाँ पे बेल रहे हैं हम लोग इसको, एकदम हल्का प्रेशर देकर कर रहे हैं, वो अपने आप डो हिल रहा है। वो जो हमने लोया लिया था अच्छे से अपने आप से हो रहा है, देखिए परफेक्ट गोल बन रहा है, एकदम पतला बेल के लिया है। देखो मैंने बहुत अच्छे से पतला बेल के लिया, ये मैं डाल रही हूँ पैन पे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, सोट और इलायची का जो फ्लेवर होता है ना वो अलग ही होता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको एक और बार दिखा दे रही हूँ आपको कैसे इसको यूज करना है। देखिए आप देख सकते हैं मेरा जो मेन डो है वो बहुत ही कम बड़ा है, मेरे जो फीलिंग के अकॉर्डिंग बहुत कम बड़ा है, एक्यूरेट उसके साथ का ही है, बिकॉज वो मैदा है, लचीलापन है। मैदा डालना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें सेम क्वांटिटी में, कि आपका जो नॉर्मल डो है ना वो फटता नहीं है। उसके एजेस आप देख रहे हैं कितने क्लीन तरीके से हो रहा है, मेरा रोटी एक भी फटा नहीं है। मेरी जो सारी रोटी है ना, मैंने अब तक जितनी भी रोटी, मेरी एक भी पोड़ी ऐसी नहीं है जो अपने आप से ना
बेलून की हो, मतलब बोलते ना पुलके वाली रोटी, बिल्कुल वैसा टाइप की हो, एकदम अच्छे से बलून कर रही है अपने आप से। मैं आपको दिखा दे रही हूँ अभी भी, ये देखिए अपने आप से एकदम अच्छे तरीके से वो ऊपर आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा डो उस हिसाब से बना है, इतना खूबसूरत डो सना है और इतना अच्छा से फर्म हुआ है ना कि रोटी वाई अपने आप से एकदम मस्त, जो पूरी एकदम अच्छे से बन रही, देखिए एक फ्लिप कर दे अपने आप से एकदम। आप इसमें जो जो टिप बताई है ना उसको फॉलो कीजिए, बहुत इजी तरीके से, कोई हार्ड वर्क नहीं, एकदम इजी तरीके से हैंडल हो जाएगा आपसे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आप समझ जाएंगे कैसे करना है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजी इजीली तरीके से सब हो जाएगा आपसे, बहुत अच्छे से पूरन पोली बनेगी, बस आप टिप को फॉलो कीजिए। आज की हमारी स्पेशल डिश बन के रेडी है। आज मैंने आपके साथ महाराष्ट्र की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस रेसिपी शेयर की है, उसके छोटे से छोटे टिप्स शेयर की है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत हद तक मतलब इजी लगेगा। ये मैंने ऐसे ही तरीके में इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है कि आपके माइंड में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सब क्लियर हो जाए और आप इस रेसिपी को इजीली समझ सकें और जैसा आपको मैं दिखाया बिल्कुल वैसा आप इसे बना सकें। ये डिश ऐसी है कि महाराष्ट्र या मुंबई आप देखेंगे हर एक चीज़, हर एक फेस्टिवल में इसे बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है इस डिश का, बहुत ही फेमस और ये पॉपुलर है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि आज की रेसिपी आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि एक स्वीट डिश है और अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो उसमें तो ये आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर कोई भी गेस्ट आएगा, आप इस तरीके से बनाकर उसे सर्व करेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा बात होगी ये। तो आज की रेसिपी अगर आपको यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। Level up, 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 level up.